Check sound to 1, 2. मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम है आरजे दिलीप और आप सभी का आज के इस शानदार सिल्वर जुबली आयोजन में मैं स्वागत करता हूं। चाहता हूं कि एक बार आप सब अपनी उपस्थिति जरा जोरदार तालियों से दर्ज करें। महावीर इंटरनेशनल की ये शानदार जर्नी, जर्नी ऑफ सेल्फलेस सेवा टू ह्यूमैनिटी, और उसी के इस शानदार सेलिब्रेशन में हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि आज के इस आयोजन में थोड़ी देर बाद मैं फिर एक बार लौट कर आऊंगा एक ऐसे कार्यक्रम के लिए जो आज यहां पर आप पहली बार देखने वाले हैं। वैसे तो टाइमलेस क्लासिक्स आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन हम जो ये शो आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे कई दिनों की मेहनत है और कई ऐसी युवा आवाजें हैं, देश में छाई हुई ऐसी आवाजें जिनको एक साथ इस मंच पर आप देखने वाले हैं जब हम गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक ये शो कुछ देर बाद आपके सामने यहां पर शुरू करेंगे। लेकिन किसी भी लैंडमार्क इवेंट को या मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कई लोगों का साथ और सहयोग होता है, तो मैं चाहूंगा कि नवरतन जी यहां पर आए और जो फॉर्मल कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करें। उससे पहले महावीर इंटरनेशनल के लिए चार पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तो असली उड़ान बाकी है। भले ही 25 साल का यह शानदार सफर हुआ है, लेकिन अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। और थोड़ा इंतजार कीजिएगा वो शानदार शो, वो म्यूजिकल शो जो बिल्कुल ऐतिहासिक है, यूनिक है, आपके सामने चंद लम्हों में हम लेकर आएंगे। नवरतन जी आइए और फॉर्मली कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं आप। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे महावीर इंटरनेशनल मुंबई केंद्र के सिल्वर जुबली फंक्शन में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 25 साल से ऊपर की जर्नी, मतलब 27 इयर्स, इट वॉज फॉर्म इन द ईयर 1995। आज आप सबके समक्ष हम अपनी जो सेवा कार्य है उसकी एक झलक दिखाएंगे। आशा है आप सब हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़ेंगे। आप सदस्य बनकर जुड़ सकते हैं, आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को सौजन्य दे सकते हैं, आप वहां पर आपके आसपास कोई प्रोजेक्ट लगाना हो वो भी कर सकते हैं। अब हम आज की हमारी ये सभा शुरू करने जा रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल की एक जो प्रार्थना है, सर्व जीवों में सुख शांति हो, ये हमारी भावना है। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। हमारी वीराएं आपके समक्ष ये प्रार्थना प्रस्तुत करेंगी। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जहां, क्योंकि देखिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं तो हमें भक्तिपूर्वक भावपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। सर्व धर्म संभाव की प्रार्थना है। प्राणी मात्र के प्रति हमारा जो भाव है मंगल कामना का, वो इसमें दर्शन होता है। अब मैं प्रार्थना हेतु हमारी वीराओं को, वीरा भास्कर पारक, वीरा कांता बोथरा, वीरा चंदा मेहता, वीरा विजया बागरेचा, वीरा मंजू बोथरा, वीरा मनीषा बाफना और वीरा लुब्धा पोरवाल, सात महिलाएं, सात वीराएं। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम वीर और वीराएं हमारे यहाँ कहने का प्रचलन है। जो सेवा में जितना वीर या वीरा का योग अदा करते हैं उसी अनुसार उनका नाम है। सुनील लागे और भी नहीं।
एक मिनट, आप सबसे मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि चूंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय महावीर। अब हम आज की हमारी शाम की इस सभा का और हमारे जो म्यूजिकल प्रोग्राम है उसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे बाहर से पधारे हुए मेहमान डिग्निटरीज उनको निमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। वीर अनिल जैन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट महावीर इंटरनेशनल एपेक्स, देखिए जोरदार तालियों से हम हमारे प्रथम व्यक्ति प्रथम नेतृत्व का स्वागत करते हैं, कृपया मंच पर पधारें। वीर मगन लाल जी मूलचंद जी मेहता, एमटीसी ग्रुप के चेयरमैन है, आपने आप हमारे मुख्य अतिथि हैं अभी। जस्टिस के तातेड़ साहब चेयरपर्सन महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन, जोरदार तालियों से आपके इस सरल व्यक्तित्व का हम अभिनंदन करते हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री घेवरचंद जी बोरा चेयरमैन जियो, घेवरचंद जी बोरा, अब आपसे एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। वीर पारसमल जी गोलेछा चेयरमैन महावीर इंटरनेशनल मुंबई,
वीरा सुमन जैन, चेयरपर्सन मुंबई जोन महावीर इंटरनेशनल, वीरा सुमन जी जैन, वीर सुधीर जैन ट्रेजरर एमआई एपेक्स, हमारा जो पूरा कार्यक्रम खर्चे का चलता है आप पर ही डिपेंड है। वीर शांतिलाल कवाड़ पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट पधारिए। वीर विजय सिंह जी बाफना पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट महावीर इंटरनेशनल एपेक्स। वीर अशोक मेहता इमीडिएट पास्ट चेयरमैन महावीर इंटरनेशनल मुंबई। जैसा कि आप सबको अच्छी तरह विदित है कि महावीर इंटरनेशनल अपना सिल्वर जुबली फंक्शन करने जा रहा है। आपने अभी हमारी प्रार्थना में सुना, ज्ञान की सद ज्योति से अज्ञान तम का नाश हो। हमारी भारतीय संस्कृति है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन ज्योति के साथ होती है, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारे मंच पर विराजित सभी डिग्निटीज कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और दीप प्रज्वलन हेतु मैं वीर ऋखभ चंद बोथरा, वीर घनश्याम मोदी, वीर ललित जी डांगी ऑल थ्री आज वाइस चेयरमैन मुंबई सेंटर कृपया मंच पर पधारें। आप लोग उधर नहीं, इधर दो है, दोनों साथ साथ। वीर राजेंद्र सिंघवी ट्रेजरर मुंबई इंटरनेशनल मुंबई, वीर अशोक बापना, वीर जयंत बागरेचा ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी फास्ट। वीर नवरतन जी से भी रिक्वेस्ट है, दीप प्रज्वलन के लिए आ गया। गौतम जी भंसाली, डॉक्टर गौतम भंसाली और सोलंकी जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। वीर गौतम भंसाली, वीर सुशील जी सोलंकी, वीर सुंदर जी बोथरा, वीर सुंदरलाल जी बोथरा, वेट मत करो। अरे करो ना यार, सुशील मेहता सब महानुभावों से निवेदन है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सब चीज हटा लीजिए, तीनों चीज हटा लीजिए, ये उधर दे दीजिए। अपने सुनहरे इतिहास में 27 साल की जो ये हमारी यात्रा है गरीबी पीड़ित मानवता की सेवा की, उसको
हर चेयरमैन ने अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ाया है। वर्तमान में हमारे चेयरमैन वीर पारसमल जी गोलेछा, यू कैन कॉल हिम ब्लड कलेक्टर, लोग इनके पास आने से आजकल घबराने लग गए कहीं ये ब्लड ना मांग लें। मैं हमारे ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी पारस जी गोलेछा से निवेदन करूंगा कि आप डाइस पर आकर यहां सबको सबका स्वागत करते हुए अपना प्रतिबोधन दे प्लीज। पारस जी गोलेछा, जय महावीर। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय महावीर। महावीर इंटरनेशनल मुंबई केंद्र के रजत जयंती महोत्सव में उपस्थित गणमान्य अतिथि, महावीर इंटरनेशनल के पूर्व चेयरमैन, महावीर इंटरनेशनल परिवार के सभी भाई बहन, वीर वीराएं एवं इस स्वर्ण जयंती रजत जयंती महोत्सव में उपस्थित भाइयों और बहनों, युवा साथियों, मैं पारस गोलेछा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 4 जुलाई 1975 को शुभ अवसर को जयपुर में चिंतनशील मनुष्यों के मन में ये भावना पैदा हुई कि हमें भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक सेवा भावना के साथ जुड़ते हुए उद्देश्यों को लेकर एक संस्था का निर्माण करना चाहिए। इसी विचार को लेकर जाति, धर्म, भाव, भाषा, वर्ग के योग बिना, भेद बिना सबकी सेवा, सबको प्यार, जियो और जीने दो के संस्कारों को लेके इसी संस्था को निर्माण किया। असहाय एवं जरूरतमंदों के सहायतार्थ महावीर इंटरनेशनल की स्थापना की और सेवा कार्यों का श्री गणेश किया। अहिंसा, शाकाहार और पर्यावरण के सिद्धांतों के मूर्त रूप देने के निर्णय को इसी भावना को लेके एक संस्था का निर्माण किया गया। आज पूरे भारतवर्ष में 350 से अधिक केंद्र इस मानव सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं। करीब 10,000 से अधिक वीर वीराएं जरूरतमंदों की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल मुंबई 1995 एवं 96 में वीर श्री मंगल प्रभा जी लोढ़ा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इस संस्था को लगातार 25 वर्षों से शिक्षा, चिकित्सा एवं पर्यावरण में लाखों लाखों संख्या में महानगर के जरूरतमंदों की सहायता की गई है। संस्था प्रतिमाह ब्लड बैंक, ब्लड कैंप, मेडिकल कैंप, ऐसे कई आयोजन प्रतिवर्ष कर रहे हैं। रजत जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में भविष्य की योजना महावीर इंटरनेशनल के वीर वीराओं ने एक सोचा है कि हम बहुत जल्दी बम्बई में बाहर गांव से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे बम्बई से बाहर से आते हैं उनके लिए एक हॉस्टल का निर्माण करना एक जरूरी योजना हमारी फलीभूत आप सबके सहयोग से होगी
और इस काम के लिए हमारे महावीर इंटरनेशनल के कई सदस्य एक बंबई के अंदर भूमि देख रहे हैं और निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा योगदान, आर्थिक सहयोग भी एक बहुत बड़े योगदान मिलने की, एक नहीं दो दो महानुभाव इस काम के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार है। रजत जयंती के अवसर पर हमारे कई वीर वीरों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगदान दिया है। व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक टीम वर्क नहीं होती है, और उस टीम वर्क के द्वारा ही इस आयोजन को आज हम सफल देख रहे हैं। बंबई के महानुभाव इस संस्था के अंदर तन मन धन से जुड़े हुए हैं। आज हमारे बीच अपेक्स के प्रेसिडेंट अनिल जी भी हैं, सुधीर जी ट्रेजरार भी हैं, शांतिलाल जी, विजय जी जो माँ अपेक्स से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ बैठते हैं, और आदरणीय जज साहब जो हमारे फैमिली के ही मैं मेंबर कहता हूँ, उनको जब निवेदन करते हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में पधार जाते हैं। मैं पूरे मंच की बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को बहुत कार्यकर्ताओं ने सफल करने में योगदान दिया है, जिनमें मैं खास तौर से वीर श्री नवरतन जी पारक, रिकभ चंद जी बोथरा, घनश्याम जी मोदी, सुंदरलाल जी, रितेश जी, राजेंद्र जी सिंघवी, अशोक जी मेहता, सुरेश जी बापना, अशोक जी बापना, जयंत जी बागरेचा, पंकज बागरेचा की टीम है, मैं उनका भी हार्दिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और खास तौर से वीराएं इस कार्यक्रम में जुड़ी है, जब भी आपने देखा होगा भगवान महावीर के, महावीर इंटरनेशनल की जो प्रार्थना है उसको सात वीराओं ने गा रही थी, उनमें सातों वीराओं के नाम आपको मैं सुनाऊँ। उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, इन्होंने बहुत सेवा के काम हमारे इस कार्यक्रम में किए हैं। अभी आप विचार करेंगे कि समाज के इस काम को सफल बनाने के लिए जितना योगदान पुरुषों का है उससे ज़्यादा योगदान महिलाओं का है। हमारे इस सेंटर में पुरुष काम करते हैं उससे ज़्यादा महिलाओं से हम काम लेने की कामना करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ के जो महिलाओं ने योगदान दिया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और कई सदस्य जिन्होंने तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है उनका मैं महावीर इंटरनेशनल पूरे परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े कई कार्यकर्ता जो मैं टेलीफोन से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दे रहे थे, मैं उनका पुनः एक बार आप सबकी ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। आप लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा हुई हो तो महावीर इंटरनेशनल परिवार आपसे इस मामले में, मैं समझता हूँ नहीं कुछ असुविधा हुई होगी, मगर शायद बैठने की व्यवस्था में कुछ ऐसी असुविधा हुई है, तो आप इसे अपनी संस्था समझ के हमें योगदान कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महावीर। कोरोना काल में वीर पारस जी गोलेछा के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम का आनंद लिया वो किसी पुण्य के उदय से ही नसीब होता है। जब लोग घरों में बैठे थे, हम लोग सामान देने जाते थे, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाते थे, वो जो नज़ारा होता था वो अपने आप में एक अलग ही विहंगम दृष्टि देखने लायक मिलती थी। जिन लोगों ने अभी और इससे पूर्व महावीर इंटरनेशनल को आर्थिक सहायता प्रदान कर, मॉरल सहायता प्रदान कर हर तरह से सक्षम किया है और हमें सेवा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित किया है, ऐसे लोगों का सम्मान करना ऐसे भव्य उत्सव में हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। तो इस हेतु हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो मेन सपोर्टिंग स्पॉन्सर हैं वो हैं जुपिटर डायाकेम प्राइवेट लिमिटेड, श्री रमेश आर चोखानी। वो अस्वस्थ होने के कारण से आज यहाँ नहीं पधार सके और उनका ऐसा आदेश आया कि आप मेरी जगह वीर सुशील जी सोलंकी और वीर अशोक मेहता को
आप सम्मानित कर दें तो मैं वीर सुशील जी सोलंकी और वीर अशोक मेहता से कहूंगा कि कृपया मंच पर जल्द से पधारें और हमारा यह सम्मान ग्रहण करते हुए सम्मान करने वालों को ही प्रथम आमंत्रित करता हूं, वीर ऋषभ चंद बोथरा और वीर राजेंद्र जी सिंह भी आप दोनों कृपया मंच पर पधारें और हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय किसी कारण से आज नहीं पधार सके श्री मगनलाल जी मूलचंद जी मेहता वीर सुंदरलाल बोथरा और ललित जी डांगी और जयंत जी बागरेचा प्लीज कम आप सम्मान कीजिए सुंदरलाल जी बोथरा का ऑन बिहाफ ऑफ श्री घेवरचंद जी बोहरा घेवर हाँ घेवरचंद जी बोहरा का सम्मान करेंगे ये दोनों भाई करेगा सुंदर बोथरा सुंदरलाल जी ठीक है एक मिनट रुक जाइए चलिए सुंदरलाल जी इधर नहीं है नेक्स्ट में ले लो अब हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं महावीर इंटरनेशनल एपेक्स के प्रथम व्यक्ति जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं 2023 से 25 तक सीए वीर अनिल जैन कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं पिछले 3 सालों से महावीर इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में आपने हमारा मार्गदर्शन किया है आप हमारे नम्र निवेदन पर एक निवेदन पर आप दिल्ली से यहाँ पधारे हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं इनका अभिनंदन करने हेतु मैं वीर पारसमल गोलेछा वीर नेमीचंद जी बोकाड़िया दोनों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारे वीर नेमीचंद जी बोकाड़िया और नेक्स्ट रेडी रहिए प्रकाश जी कानू को और शांतिलाल जी कोचर वीर प्रकाश कानू को वीर शांतिलाल जी कोचर प्लीज कम ऑन द डायस अरे तो नाम तो पहले ही बोल दिया यार डॉक्टर नेमीचंद जी छाजेड़ कृपया मंच पर बता रहे जरा जल्दी आइए डॉक्टर साहब इधर से आ जाइए एक सेकंड जस्ट ए मिनट अनिल जी हमारे यहाँ की सेवा मूर्ति है डॉक्टर नेमीचंद जी छाजेड यू आर वेल एक्वेंटेड विथ हिम नेक्स्ट सुंदर जी वालों ले लीजिए जो आई है मेरी वालों देखिए जोरदार तालियों से हम अपने इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का स्वागत सम्मान करते हैं अब वीर प्रकाश कानूगो वीर शांतिलाल जी कोचर ये सम्मान करेंगे हमारे इंटरनेशनल ट्रेजरर वीर सुधीर जैन एपेक्स एमआई आप पेशे से सीए हैं और जब से आपने हमारी ट्रेजरी की कमान संभाली है हमारे यहाँ धनराशि की वृद्धि अविरत होते जा रही है जोरदार तालियों से हम ऐसे अकाउंट वीर सुधीर जी का अभिनंदन करते हैं अब क्या रहेंगे बाकी घेवरचंद जी के ब्याह पर सम्मान लेंगे वीर सुंदरलाल जी बोथरा कृपया कल ऑन द डाइस वीर सुंदर जी नहीं है तो फोटो ये बार बार और अब देखिए हमारे इस अब दे दो आप दे दो आप ही दे दो अरे दे दो ना आप डांगी जी नहीं आएंगे
वीर डॉक्टर सुशील मेहता कृपया पधारिए आप दोनों। अरे हमारे गेवर्धन जी के बिहाफ पर सुंदरलाल जी का स्वागत कीजिए सर प्लीज। सुंदर जी ना बीच में लियो। अरे देखिए अभी हमारे इस हॉल में 50% आबादी वीराओं की है, महिलाओं की है। अब हम जिस कर्मठ व्यक्तित्व की धनी वीरा सुमन जैन का, जो हमारे मुंबई संभाग की अध्यक्षा हैं, उनका स्वागत करने जा रहे हैं, अभिनंदन करने जा रहे हैं, और उनके स्वागत हेतु मैं निमंत्रित करता हूं वीरा मंजू गोलेचा, वीरा चंदा मेहता, वीरा पिंकी मेहता, प्लीज बी फास्ट। एक बुके ले लो। आप शांत में खड़े हो जाओ एक बार। देखिए वैसे हमारे महावीर इंटरनेशनल में एक परंपरा है कि हम दिन दैनिक कार्यों में कभी आपस में किसी प्रकार का सम्मान ग्रहण नहीं करते हैं। कोई विशेष अवसर होता है तो बात अलग है, अदरवाइज। और यही हमारी वीरा जो हमारी प्रतिनिधि हैं, हमारा नेतृत्व करती हैं, वो हमें दर्शा रही हैं। देखिए वीराएं तो कम से कम महिलाएं जोरदार तालियों से हमारी इस वीरा का अभिनंदन करें। दोस्तों अब हम जिस व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं महावीर इंटरनेशनल के उद्भव काल से, सिंस 1995-6, जिस व्यक्ति ने तन मन धन से सब कुछ प्रदान कर इस महावीर इंटरनेशनल को, मुंबई सेंटर को और एपेक्स को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग दिया है, बहुत ही सरल के साथ साथ कड़क और बिल्कुल स्पष्टवादी ऐसे व्यक्तित्व जो कुछ अस्वस्थता के कारण आज हमारे बीच यहाँ नहीं आए हैं, उनके बिहाफ पर मैं वीरा कुसुम जी कोठारी, जो धीरज जी कोठारी के हर कदम पर जिन्होंने अपना साथ निभाया है, वो अभिषेक जी कोठारी, उनकी पुत्र वधु, परिवार के सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे इस महावीर इंटरनेशनल को अर्पित किया है, ऐसे वीर धीरज कोठारी का हम भाव भोर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से उनकी अनुपस्थिति में यहाँ से आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर दूर ही उनका घर है, हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए, आपसे यही मेरा एक निवेदन है। स्वागत करने के लिए देखिए भारी भरकम व्यक्तित्व का स्वागत भी भारी भरकम लोग ही करें तो अच्छा होगा। उनके स्वागत के लिए मैं हमारे लाडले वीर राजजी पुरोहित, जो हमारे साथ वीर हैं, कदम कदम पर हर समय हमारे साथ रहते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वो पधारते हैं, उनको अभिनंदन करके लिए बुलाता हूँ। वीर पारसमल गोलेचा, वीर शांतिलाल जी कवाड़, वीर प्रकाश जी कानूगो, वीर ऋखभ चंद जी बोथरा, वीर घनश्याम जी मोदी, कोठारी परिवार का हम जितना भी अभिनंदन करें जिन वो हमारे लिए और उनके लिए कम है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिन्होंने अपना पूरा समय तन मन धन इस संस्था को अर्पित किया है, एक बार मैं आपसे कहूंगा जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए कृपया मंच अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और हमारे वीर धीरज जी कोठारी की अनुपस्थिति में भी उनका हम भाव विभोर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए तालियां, कृपया तालियां बजाइए। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपने आप में एक माइलस्टोन होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस संस्था को दिया है,
हम हमेशा उनके आभारी हैं। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर फिर से हमारा नेतृत्व प्रदान करें। कोई भी सेवा कार्य बिना अच्छे कार्यकर्ताओं के, बिना अच्छे कार्य करने वाले लोगों के कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है। अब हम जिनका सम्मान अभिनंदन करने जा रहे हैं, उन्होंने भी धीरज जी के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 27 वर्षों से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ इस फाउंडेशन महावीर इंटरनेशनल मुंबई की, चाहे वो किसी पद पर हैं या नहीं है, हमेशा 24/7 ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व महावीर इंटरनेशनल। ऐसे व्यक्तित्व के धनी वीर ऋखभ चंद बोथरा, आपको विशेष सेवा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। वीरा कांता जी बोथरा से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें, क्योंकि आपके बिना शायद ये इतना काम नहीं कर पाएंगे। कांता जी कृपया मंच पर जल्दी से पधारें। ऋखभ जी पधारिए। और इनका अभिनंदन करने के लिए देखिए, अनिल जी आपको ऐसे ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो आपके महावीर इंटरनेशनल, आपके और हमारे इस संस्था को आगे से आगे ले जा सके। आप से और वीर पारसमल जी गोलेचा और वीर सुधीर जैन, इन तीनों से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे इस कर्मठ कार्यकर्ता का आप हमारी ओर से अभिनंदन करें। देखिए जोरदार तालियों से कम महावीर इंटरनेशनल मुंबई के जो सदस्य यहाँ मौजूद है, आज तक अगर आपने खाने का किसी भी काम का आनंद लिया है तो उसके सबसे बड़े अगर कोई नेतृत्व करता है तो वो वीर ऋखभ चंद बोथरा है। जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। हमारे महावीर इंटरनेशनल में एक कहावत है कि अगर इलेक्शन हो और वीर ऋखभ चंद जी बोथरा खड़े हो जाएंगे तो 100 वोट इनको ही मिलेंगे, हम लोगों को एक भी नहीं मिलने वाला है। देखिए किसी भी संस्था को आगे ले जाने में उनके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं यानी जो चेयरमैन अध्यक्ष, उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। महावीर इंटरनेशनल के 28 साल के इतिहास में अब तक 12 अध्यक्ष महोदय ने इस पद को सुशोभित किया है। मैं उनके नाम लेता हूं और वो सब एक साथ मंच पर पधार जाएं, हम उनका एक साथ ही अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आज हमारी जो ये यात्रा है सेल्फलेस सर्विस की, उसको यहां तक पहुंचाने में आपका ही बहुत बड़ा योगदान है। वीर मंगल प्रभात जी लोढ़ा जो हमारे फाउंडर चेयरमैन है, वो कुछ ही देर में पधारेंगे, उनका मैसेज आया है, ही इज इंगेज समवन देयर एल्स। वीर विजय सिंह जी बाफना, वीर कुशल चंद जैन, वीर डॉक्टर नेमी चंद जी छाजेड़, वीर केसी जैन साहब के यहां से पधारे हैं, वो आगे आ जाइए। डॉक्टर नेमी चंद छाजेड़ जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर है और हमारा जो सेवा का, चिकित्सा सेवा का जो चेहरा है वो है डॉक्टर वीर नेमी चंद छाजेड़। और वीर प्रेमचंद जी गोलिया, वीर प्रेमचंद जी गोलिया, वीर धीरज कोठारी, धीरज जी कोठारी की जगह मैं भाभी जी से अनुरोध करूंगा कुसुम जी से कृपया मंच पर पधारें। वीर प्रकाश कानूगो, वीर नेमीचंद जी बोकाड़िया, वीर डॉक्टर विनय शर्मा, वीर शांतिलाल जी कोचर, वीर अशोक मेहता। देखिए वीर अशोक मेहता के कार्यकाल में 1918 में हमने ऑर्गन डोनेशन की ड्राइव शुरू की थी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था इसी सभागृह में। और वर्तमान के जो हमारे अध्यक्ष हैं जिनको ब्लड डोनेशन मैन भी कहा जाता है, वीर पारसमल जी गोलेचा, आप सबसे निवेदन है कि कृपया फास्ट मंच पर पधार जाएं जो भी यहां मौजूद हैं। और इनका स्वागत करेंगे, देखिए
ये इनके काम करने से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है एपेक्स बॉडी को। तो मैं एपेक्स के हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वीर अनिल जी जैन, वीर सुधीर जी जैन, वीर शांतिलाल जी कवाड़ और डॉक्टर सुशील मेहता, इन चार से अनुरोध करूंगा कि इनका महावीर इंटरनेशनल मुंबई की ओर से सम्मान करें। डॉक्टर जस्टिस के तातेड़ साहब, आप पधारिए, देखिए आप हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जो सरलता है वो हम सब में अगर कुछ भी आ गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे बीच देखिए, हम लोगों ने, मुंबई सेंटर ने अब तक में एपेक्स को 4 इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और 3 महासचिव प्रदान किए हैं। आपके समक्ष स्टेज पर जो खड़े हैं वीर विजय सिंह जी बाफना, जो हमारे यहाँ महावीर इंटरनेशनल एपेक्स में फाउंडर ट्रस्टी भी हैं, और वीर शांतिलाल जी कवाड़, ये दोनों वहाँ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वीर पारस जी गोलेछा सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। देखिए जोरदार तालियों से, ये हमारे अभिनंदन का लास्ट स्पेस है, जोरदार तालियों से आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार इन जो हमारे 12 अध्यक्ष हैं इनके कार्यकाल में हमने बहुत कुछ तरक्की की है। बस हो गया, प्रकाश जी का अनुभव। बस बस हो गया, आरती हो गया भाई, वो ना है ना यार, यहाँ वीर माणक जी मेहता, वीर मानक जे मेहता कृपया मंच पर पधारें। आप सबने आज अगर भोजन का आनंद लिया है तो आज का हमारा ये जो पूरा भोजन की व्यवस्था है उसको स्पॉन्सर करने वाले वीर मानक जे मेहता, मानक जे मेहता भाभी जी पधारिए, अरे आ जाओ फास्ट, मानक जी आ जाओ ना आप, तो मानक जी प्लीज। वीर मानक जे मेहता, बोकाड़िया जी से अनुरोध करूंगा कि आप मानक जी मेहता का स्वागत करें। बस हो गया, बस, अरे हमारे बीच हमारे लाडले राजजी पुरोहित पधारे हैं। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे लाडले विधायक, पूर्व विधायक, आप जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। राज जी एक मिनट, एक मिनट, मैं हमारे तातेड़ साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे ऐसे साथी राज जी का अभिनंदन करें।
अब स्मार बस ये हम लास्ट लेग में जा रहे हैं साहब, आई थिंक यू आर स्मारिका विमोचन हेतु में जिस व्यक्ति ने, जिस वीर ने अकेले सिंगल हैंडेडली स्मारिका का पूरा कार्य अपने कंधों पर लिया, वीर रितेश पोरवाल, आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया स्मारिका के साथ में आप पधारें और सबको एक एक स्मारिका प्रदान करें। देखिए मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जब भी महावीर इंटरनेशनल मुंबई को पैसे के कार्य की आवश्यकता होती है तो जिनका सबसे पहले अपनी जेब में हाथ जाता है, ऐसे वीर जो हम सब में सबसे यंग है, सबसे उत्साही है, ऐसे वीर चंदन मल जी बैद जिन्होंने संपूर्ण सौजन्य कर हमारी जो घाटकोपर में दंत चिकित्सा केंद्र चल रहा है उसका संपूर्ण आर्थिक सौजन्य प्रदान किया। और आपने अभी अभी हम लोगों को बहुत लक्कड़ कर रखा है कि जल्द से जल्द एक हॉस्टल बनाइए जिसमें वो अपनी ओर से बहुत बड़ा सौजन्य देने वाले हैं। जोरदार तालियों से हम हमारे इस युवा साथी का, जिनका हम पर आशीर्वाद है और हमने अपने जीवन में इनसे ज्यादा मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति हमारे पूरे डायमंड बाजार में, जहां 50,000 आदमी एक साथ हमारे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल अनदर पर्सन लाइक हिम। जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। हाँ, एक फोटो ले लो। अब शांतिलाल जी और पारस जी और अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इन युवा जो हमारे सौजन्य करता है चंदनमल जी बैद, देखिए आप सबको खुद को इस उम्र में भी अस्वस्थ होते हुए भी आप सब हमारे, आप देखिए हमारे फंक्शन में पधारे हैं, हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं। चंदनमल जी बैद साहब, सैल्यूट तो ही हो। अब देखिए सम्मान का कार्यक्रम हमारा संपूर्ण होता है। अब हम आपको कुछ क्षण के लिए ही हमारे महावीर इंटरनेशनल मुंबई की दुनिया में ले जाते हैं। हमने अब तक हमारे सामर्थ्य के अनुसार से जो भी सेवा कार्य किए हैं कि एक बहुत ही संक्षिप्त झलक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन से, और इसका संपूर्ण सौजन्य हमारे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुंबई इंटरनेशनल मुंबई के अध्यक्ष वीर विजय सिंह जी बाफना, वीरा जयश्री जी बाफना, आपके आर्थिक सौजन्य से हमने ये बनाया है और आप हमारे विशेष सहयोगी भी हैं इस पूरे फंक्शन में। अब मैं सारे डिग्निटी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच से आप सामने की सीट पर विराजित हों। हमारे बीच वीर पुरुषोत्तम जी भंडारी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय विराजमान है, हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं सर, प्लीज। एंड गॉड क्रिएटेड द ब्यूटिफुल अर्थ, लाइट बंद करो, लाइट, द माउंटेन्स, द लेक्स,
the forests, the fruits, then the insects, birds, animals, and finally, when God was ready with all that is required to fulfill His final creation, He created humans. Humans, instead of enjoying God's bounties, which was available in abundance, started creating strife by creating geographical boundaries, cultural boundaries, based on color, caste, and creed. And soon, the beautiful world that God created was burning with wars, religious intolerance, racism, and poverty. Some inspiring leaders took baby steps in the direction of healing the world of its problems, and following the teachings of Lord Mahavir, set up a non-religious social service organization in 1975 in Jaipur called Mahavir International. Love all, serve all, live and let live. Mahavir International शुद्ध सामाजिक सेवा से जुड़े हुए बंधुओं का अद्भुत संगठन है, जो पीड़ित मानवता की सेवा, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते हैं, जो सभी धर्मों के अनुयायी के लिए श्रेष्ठ मंच प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति के मौलिक आदर्श करुणा, अहिंसा और शाकाहार के मूल्यों को अक्षुण रखते हुए ये एक सामाजिक कार्यक्रमों को लगातार संचालित करता है। Mahavir International was created on the occasion of the 2500th anniversary of Lord Mahavir. Mahavir International is spread all over the world, and Pan India presence of 450 centers, and in the journey of four decades has many landmarks in its seva for the multitude. Mahavir International expresses inner feelings in prayer. Bhavna din raat meri sab sukhi sansar ho. Bhavna din raat meri sab sukhi sansar ho. Our constitution governs us, and we uphold democratic principle. Male members are known as Veer and females are known as Veera. Both means the bravery. Each member applies in helping the helpless. Mahavir International have over 50 seva activities on their chart. Child care and baby kit distribution. 2 to 2.5 lakh baby kits are distributed through municipal and government hospitals annually to save the newly born infants from infections. During the time of natural disasters like the floods in Chennai, Bihar and Surat, earthquake in Gujarat, Nepal and tragedy in Uttarakhand, Mahavir International was there to provide helping hands to the affected people. Women empowerment are steps taken to create a powerful female workforce to strengthen our country. Selfless seva is our motto, and we offer it all the time. The members are all humbled to be awarded World CSR Global Excellence Award by World CSR Congress and Merit Certificate on World CSR Day. Mahavir International Mumbai Center was opened in 1995 by the inspiration of Veer Rajendra Singh Bafna under the able chairmanship of Veer Mangal Prabhat Lodha and leadership of late Sri Veer Shanti Prasad Jain. With 140 plus couples as life members, Mumbai Center has its prominent position in the whole organizational setup of Mahavir International. महावीर इंटरनेशनल एपेक्स के कुशल नेतृत्व हेतु मुंबई केंद्र ने 4 अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 3 महासचिव प्रदान किए हैं। एपेक्स की आर्थिक सक्षमता में मुंबई से 9 महावीर इंटरनेशनल डायमंड पेट्रॉन एवं 49 MIF सदस्य बनाकर बड़ा आर्थिक योगदान प्रदान किया है। Mahavir International Mumbai successfully organized World Religious Conference in the year 2001 with great preachers of all religions in a grand way. Now, Mahavir International Mumbai has taken up the challenge to save the lives of patients having organ failures by awareness and promotion of organ donation. Angdaan, Mahadaan, Angdaan. अब
अपने 25 से ज्यादा वर्षों की अनवरत सेवा यात्रा में महावीर इंटरनेशनल मुंबई ने मानवीय संवेदनाओं से उपरोक्त अपनी एक विशेष पहचान बनाते हुए अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कोरोना काल में जब लोग घरों से निकलने में भी घबराते थे, मुंबई की अस्पतालों में खून की भयानक किल्लत हो गई थी, तो महावीर इंटरनेशनल मुंबई ने जुझारू व्यक्तित्व के धनी वीर पारसमल गोलेचा के नेतृत्व में 15,000 से भी ज्यादा रक्त यूनिट अब तक एकत्रित कर सार्वजनिक अस्पतालों को प्रदान किए। 16 मार्च 2023 को मसगांव डॉकयार्ड में 1,107 रक्त यूनिट एकत्रित कर 5 अस्पतालों को प्रदान करना एक उदाहरण है मानव सेवा के प्रति हमारी पावन प्रतिबद्धता का। मैं पारसमल गोलेचा, चेयरमैन महावीर इंटरनेशनल मुंबई, मानव सेवा को समर्पित महावीर इंटरनेशनल संस्था जो 47 ईयर से पूरे हिंदुस्तान में मानव सेवा के काम कर रही है। मुंबई का सेंटर पिछले 25 वर्षों से अनेक अनेक सेवा के कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ब्लड डोनेशन कैंप। प्रत्येक माह 3 से 4 शिविरों के साथ अब तक 1400 शिविरों का आयोजन, जिनमें नेत्र चिकित्सा, हृदय रोग एवं कैंसर जैसे अनेक रोगों की जांच एवं इलाज करवाया। सेवा मूर्ति डॉक्टर नेमीचंद छाजेर चिकित्सा सेवा में पूर्ण समर्पित हैं। डॉक्टर नेमीचंद छाजेर, डायरेक्टर महावीर इंटरनेशनल मुंबई मेडिकल सर्विसेज। महावीर इंटरनेशनल मुंबई हर माह के पहले रविवार को सांताकुर में चिमला स्कूल में फ्री मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। इस कैंप के अंदर 50-60 पेशेंट का कैटलैग ऑपरेशन होता है, 7-8 पेशेंट आते हैं, कैंसर का चेकअप, ओरल कैंसर का चेकअप होता है, डायबिटीज चेकअप होता है, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट मिलती है, सीनियर सिटीजन के लिए कान का मशीन फ्री में दिया जाता है। हजारों की संख्या में निःशुल्क मोतिया बिंदु ऑपरेशन मान्यता प्राप्त अस्पतालों में करवाए जाते हैं। दोनों आँखों मोतियाबिंद पड़ गया था, मैं देख नहीं पा रही थी। जब मैंने इस बदरपुर में अस्पताल है, इसमें मैंने ऑपरेशन कराया है। अब मैं पोता पोती के साथ खेल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सारा काम धंधा भी कर लेती हूँ। 1,10,000 से भी ज्यादा चश्मों का वितरण अब तक किए जा चुके हैं। प्रत्येक माह 3 से 4 शिविर लगाकर रक्तदान महादान के अभियान की निरंतर सक्रियता रहती है। दान हेतु हमेशा तत्पर वीर श्री चंदन मालजी बैद के संपूर्ण आर्थिक सौजन्य से घाटकोपर की झुग्गियों के बीच दंत चिकित्सा केंद्र की स्थापना की एवं हजारों लोगों की न्यूनतम फीस के साथ दंत चिकित्सा की जाती है। इस मेडिकल कैंप में आप कब से आ रहे हैं? हम तो यहाँ पे रहते हैं, बहुत साल से आ रहे हैं कैंप पे, और अपने डॉक्टर सर्जन साहब है, उन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ पे आते हैं, और बहुत पहचानते भी है सब, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा कैंप है ये, और सबको अच्छा लगता है, सबको लेके जाते हैं डॉक्टर, और लेके भी आते हैं ऑपरेशन करा के, उनका बहुत योगदान है। और हम खारगर में रहते, खारगर से मैं यहाँ पे आई है। साहू अस्पताल को पोर्टेबल मशीन प्रदान कर उनके सहयोग से नेत्र जांच शिविरों का आयोजन स्कूलों में किया जाता है। मेधावी छात्रों खासकर लड़कियों को स्कूल कॉलेज फीस हेतु सालाना स्कॉलरशिप वितरित की जाती है। पर्यावरण सुरक्षा हेतु 10,000 से ज्यादा वृक्षारोपण सार्वजनिक स्थानों में अब तक किए गए हैं। महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। केंद्र के सेवा कार्यों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हर माह निशुल्क पत्रिका महावीर विचार का प्रकाशन एवं वितरण होता है। लोकतांत्रिक संचालन के बावजूद आज तक संगठन में कभी चुनाव नहीं हुए। सर्वसम्मति एवं मनाओ से अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का मनोनयन होता है, यही हमारी परंपरा है। अब तक के अध्यक्षों के नेतृत्व में महावीर इंटरनेशनल मुंबई ने सेवा यात्रा की नई ऊंचाइयों को तय किया है। दुख दर्द है जहां जहां महावीर इंटरनेशनल है वहां वहां।
महावीर इंटरनेशनल मुंबई सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा नजर आता है। कोरोना काल में जब लोग घरों से निकलने में भी घबराते थे, तब से लेके अब तक महावीर इंटरनेशनल से ने 15,252 रक्त यूनिट एकत्रित करके सरकारी अस्पतालों को प्रदान किए हैं। ऐसे अनेकों कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। आजादी के अमृत काल में सर्वाधिक महत्व उच्च शिक्षा का रहेगा, अतः महावीर इंटरनेशनल मुंबई ने अपने रजत जयंती के उपलक्ष में एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें उच्च शिक्षा हेतु बाहर से आने वाले मेधावी छात्रों के रहने और खाने की उच्च व्यवस्था रहेगी। आशा है हमारा यह काम राष्ट्र निर्माण में एक ईंट साबित होगा। जहां हो सेवा, करुणा एवं मानवता का संकल्प, तो महावीर इंटरनेशनल है एक सटीक विकल्प। हम प्यार फैलाने आए हैं, हम प्यार फैला जाएंगे। उम्मीद जगाने आए हैं, हम उम्मीद जगा जाएंगे। रोशन करेंगे जिंदगी, हर चेहरे पे हो खुशी। हम साथ निभाने आए हैं, हम साथ निभा जाएंगे। उम्मीद जगाने आए हैं, उम्मीद जगा जाएंगे। आओ थामे हाथ, नापे कदमों की रफ्तारें। जिंदगी के इस सफर को क्यों ना साथ गुजारें। पूरे विश्व से नाता जोड़कर जीतेंगे हर दिल को। हम उम्मीद जगाने आए हैं, हम उम्मीद जगा जाएंगे। हम प्यार फैलाने आए हैं, हम प्यार फैला जाएंगे। हम सबको मिलकर एक दिन कर नया उगाना है। महावीर इंटरनेशनल के ध्वज को गगन की ऊंचाइयों तक फहराना है। तो मित्रों, निश्चित है दिग्दिगंत की फिजाओं से नया क्रांति का गीत गाया जाएगा। आपका दिया ये आज का योगदान स्वर्णिम इतिहास रचाएगा, स्वर्णिम इतिहास रचाएगा, स्वर्णिम इतिहास रचाएगा। दोस्तों, लाइट ये थी हमारे महावीर इंटरनेशनल के 27 साल के सेवा अनवरत सेवा कार्यों की यात्रा की एक झलक। अब एक छोटा सा समय आपका और लूंगा। हमारे वासी केंद्र से वीर पधारे हैं, वीर वीराएं, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया जल्द से मंच पर पधारे। आप चूंकि पारस जी ने काफी लोगों का रक्त एकत्रित कर लिया ले लिया है, इसलिए इनका अभिनंदन करते हैं तो उनका विशेष आग्रह है कि हम पारस जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। पारस जी कृपया जल्द से आ जाइए मंच पर। अब आपसे लोग घबराने लग गए, आपके पास नहीं आएंगे, आप खून मांगते हैं। वासी केंद्र के जल्दी आइए साहब, प्लीज। हाँ, नवी मुंबई वासी जरा फास्ट आ जाइए प्लीज। और इनके पश्चात हमारे विशेष मेहमान कह दीजिए, साथी कह दीजिए, वीर अनिल जैन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट महावीर इंटरनेशनल एपेक्स। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना आशीर्वचन हमारे इस महावीर इंटरनेशनल मुंबई केंद्र को प्रदान करें। देख, वीर अनिल जैन सीए। चीफ गेस्ट ऑफ द डे, पास्ट प्रेसिडेंट्स सिटिंग ऑफ द डायस, अदर डिग्निटरीज और मुंबई वासियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं महावीर इंटरनेशनल अपेक्स की तरफ से।
आज का ये शानदार आयोजन महावीर इंटरनेशनल मुंबई, जो एक हमारी शाखा है, एक महत्वपूर्ण शाखा है महावीर इंटरनेशनल अपेक्स की, उसके 25 वर्षों की यात्रा आपके समक्ष अभी रखी गई। ये गौरवशाली यात्रा आपके सामने है, ये गौरवशाली इतिहास आपके सामने है। यहाँ से 5 प्रेसिडेंट्स हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल हुए हैं जो अपेक्स में रहे हैं, उन्होंने अपेक्स बॉडी को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। मैं मुंबई के जितने भी चेयरमैन रहे हैं, जो सदस्य रहे हैं, जो यहाँ के सहयोगी रहे हैं, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इस 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये 25 साल की यात्रा है जो यहां से यहां तक आ गई। अब अगले 25 साल कैसे होंगे ये इमेजिन करना बाकी है कि जो महावीर इंटरनेशनल मुंबई पिछले 25 सालों में जहां से जहां तक आ गया, क्या वो ग्रोथ कितना गुना होगी, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर है। मैं एक बार पुनः महावीर इंटरनेशनल मुंबई के सब लोगों को और चेयरमैन को बधाई देता हूं। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे जितने भी लोग हैं वो संपन्न लोग बैठे हुए हैं, समृद्ध लोग बैठे हुए हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है कि हमारे पास वो सब है जो किसी एक सफलतम व्यक्ति के पास होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? शायद हम कुछ तलाश कर रहे हैं, इधर उधर, यहां वहां, जहां भी जाते हैं वहां वहां क्या ढूंढ रहे हैं? शायद हम कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पे हम कुछ दे सके, आर्ट ऑफ गिविंग। सो आई वुड टच अपॉन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वन इज द आर्ट ऑफ गिविंग। दूसरा, हम क्या चीज देख रहे हो सकते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके साथ मैं जुड़ू, मैं अच्छा महसूस कर सकूं, मैं उस संगठन के साथ या उस आधार के साथ अपना सब कुछ लगा सकूं और अपने सपनों को पूर्ण कर सकूं। ऐसा मैं, यानी कि हर व्यक्ति जो मुंबई का यहाँ बैठा हुआ है, चाहे वो महावीर इंटरनेशनल का सदस्य है या महावीर इंटरनेशनल का सहयोगी है या महावीर इंटरनेशनल का सहयोगी बनने की आशा रखता है, ऐसे सब लोगों के सपने को पूरा करने के लिए मैं आपका इंट्रोडक्शन एक संस्था से कराता हूं। 3 मिनट में मैं आपका ये इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करूंगा। मैं वो संस्था हूं, मैं महावीर इंटरनेशनल हूं। महावीर इंटरनेशनल जो जिसका जन्म हुआ 1975 में, यानी कि 48 वर्ष पूर्व, किसी जाति भेदभाव धर्म उससे ऊपर, उन सारी पराकाष्ठाओं से परे, ये महावीर इंटरनेशनल केवल प्राणी मात्र की सेवा में लगी हुई है। और प्राणी मात्र की सेवा भी कैसे? प्यार से, तिरस्कार से नहीं, दया से नहीं। हम जिसकी भी सेवा करें उसकी प्यार से करें, लव ऑल सर्व ऑल, दैट्स द प्रिंसिपल विच वी फॉलो। अब इस प्रिंसिपल के पीछे आधार यह है कि हम जिसको दे रहे हैं, जिसको सहायता कर रहे हैं, जिसको सहयोग दे रहे हैं, उसको हम बराबर का महसूस करें, उसको प्यार से करें, कभी उसके प्रति दया का भाव रख करके ना करें और प्यार से करें। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है। तो जो लोग अपने सपनों की उड़ान को पूरा करना चाहते हैं, वो जो सक्षम है, जो संपन्न है, अगर वो कोई आधार ढूंढ रहे हैं, तो मैं महावीर इंटरनेशनल, 48 साल पहले मेरा जन्म हुआ, मेरे 340 केंद्र हैं जो हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगह पे, जैसे मुंबई केंद्र काम कर रहा है, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, सैकड़ों 340 केंद्र पूरे देश में यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं। उन केंद्रों के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ, उनके सदस्यों के साथ जुड़ सकते हैं। वो 10,000 व्यक्तियों का समूह है। हम वहाँ पर आपको क्या दे सकते हैं? वीर, अ डिग्री। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 4 साल लगते हैं, डॉक्टर डिग्री लगाने के लिए 5 साल लगते हैं, वीर बनने के लिए आपकी केवल इच्छा चाहिए और उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं महावीर इंटरनेशनल आपके सामने हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
जोरदार तालियों से हम हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां एक बार आपसे अनुरोध करूंगा। अब सबके आप सब यहां अपना समय निकाल कर पधारे, उसके लिए महावीर इंटरनेशनल मुंबई संपूर्ण परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। अब हमारे पूरे इस सिल्वर जुबली कार्यक्रम के कन्वीनर वीर सुंदरलाल जी बोथरा से अनुरोध करूंगा कि कृपया आवे और शॉर्ट में सबको धन्यवाद प्रदान करें। जय जिनेन, जय महावीर। हम आज महावीर इंटरनेशनल की ये अब मैं जो है लास्ट इसमें बचाऊं कि आपकी एंटरटेनमेंट के बीच में मैं आ रहा हूं, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको खत्म करूंगा और उसके बाद आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है वो स्टार्ट हो जाएगी। आई एम द लास्ट स्पीकर। आज हम महावीर इंटरनेशनल की रजत जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम पिछले 27 सालों से निरंतर निस्वार्थ मानवता की सेवा कर रहे हैं, आगे भी यह सफर जारी रहेगा। सर्वप्रथम हम हमारे संस्थापक अध्यक्ष वीर मंगल प्रभात जी लोढ़ा का धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने महावीर इंटरनेशनल की नींव रखी और हमें सेवा का अवसर दिया। हमको हमारे इंटरनेशनल अध्यक्ष अनिल जी, वीर कोषाध्यक्ष, हमारे सभी डिग्नेटरीज ऑफ द डाइज, सभी का मैं जो है समय निकालकर यहाँ पधारे उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। अब लास्ट में ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को हम नहीं बुला सकते, उनको उनका धन्यवाद अदा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं थोड़ा सा समय जो है उन कार्यकर्ताओं के लिए ले रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। हमारे सबसे पहले वीर पारसमल जी गोलेचा, घनश्याम जी मोदी, अशोक जी मेहता, ऋषभ चंद जी बोथरा, रितेश जी पोरवा, राजेंद्र जी सिंघवी, जयंत बागरेचा, अशोक जी बापना, सुरेश जी बापना और वीर सचिन सिंघवी, वीरा भास्कर पारेख, कांता पारेख, जिन्होंने जो सात वीराओं ने यहाँ पर जो गीत का कार्यक्रम रखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चंदा जी मेहता, लुब्धा पोरवाल, मंजू जी बोथरा, मनीषा जी बापना, विजया जी बागरेचा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन, जय महावीर। आपका हमने कुछ ज्यादा समय लिया है, मैं आपसे हृदय पूर्वक क्षमा याचना करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो घड़ी वो लम्हा जिसका है आपको बेसब्री से इंतजार, द गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक।
सख्त और उतनी ही शानदार जानदार आप सबकी तालियां होनी चाहिए। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक काम करते हैं हम लोग, जरा अलग अंदाज से इस यूनिक शाम की शुरुआत करते हैं। आपने इंतजार किया तो फल भी उतना ही मीठा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे दिलीप और ये बहुत ही यूनिक यूनिक शो म्यूजिक का हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर देश की ऐसी युवा आवाजें जिनको चुनकर आज इस मंच पर लाए हैं, बहुत ही अनोखे तरीके से वो गाने आप तक पेश करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक आवाजें हैं, जिसमें से एक नाम मैं आपको बता दूं कि जान कुमार शानू, कुमार शानू के सुपुत्र। अभी अभी मेरी मुलाकात उनसे बैक स्टेज हुई है, और भी कई मशहूर कलाकार जिनको आप टीवी के मंच पर देख चुके हैं, बड़े बड़े मंच पर देख चुके हैं, एक एक करके मैं सबसे मिलाने वाला हूं। और ये बिल्कुल यूनिक शो जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अनोखा है, आपके लिए लेकर आए हैं पंकज बागरेचा टैलेंट मैनेजमेंट। और मैं जो, जी हाँ बिल्कुल, ये जो इनका जज्बा है, ये जज्बा हम सब मिलके एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा था कि एक यूनिक तरीके से हम आज के शो की शुरुआत करने वाले हैं, तो पहले ये वाला हाथ ऊपर, आपका लेफ्ट वाला हाथ एक बार ऊपर हो जाए इस तरफ से, वंडरफुल। तो दूसरे हाथ को क्यों आपने रखा है, उसको भी ऊपर लीजिए एक बार, और अब बजाइए तालियां। व्हाट अ मोमेंट, ये मोमेंट, ये एनर्जी यूं ही बरकरार रखिएगा। देखिए कहते हैं कि वेलकम का जो बोर्ड है ना, वो तो दीवारों पे भी लगा हुआ होता है, लेकिन शब्दों में वो भाव होना चाहिए, और आपका जो भाव है वो नजर आ रहा है, और हम भी आपको तहे दिल से यहां पर वेलकम करते हैं। चलिए इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं। जो पहली गायिका हमारे बीच आने वाली हैं, उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी, जो वॉइस ऑफ राजस्थान रह चुकी हैं लगातार 5 सालों के लिए। इंडियन आइडल के स्टेज पर उन्होंने परफॉर्म किया है और गुजराती मूवीज में प्लेबैक भी किया है। बहुत कमाल के 3 बेहतरीन गाने आप सुनने वाले हैं, और इन गानों की खासियत यह है कि इन गानों के साथ जुड़े हुए कुछ अनोखी बातें, कुछ अनोखे किस्से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आप लोग बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं सत्यम शिवम। आह क्या बात है। एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की आग, जिसके 30 साल बाद राज कपूर साहब ने उसी फिल्म की कहानी को एक नए अंदाज में सबके सामने रखा, और वही ये फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। उसके बाद जो गाना आप सुनेंगे वो है फिल्म ज्वेल थीफ से। ज्वेल थीफ देखी है ना आपने, क्या बात है, आपके हां में भी वो दम होना चाहिए। ज्वेल थीफ से एक ट्रेंड की शुरुआत हुई थी कि फिल्म के क्लाइमैक्स में एक गाना आता है, और ये ट्रेंड बाद में आगे कई सालों तक चला। और भी बेहतरीन गाने लेकर सृष्टि गोस्वामी, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस यूनिक शो, सबसे पहली बार यहां महावीर इंटरनेशनल के लिए। Thank you.
सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगी मैं सृष्टि गोस्वामी हम सभी की तरफ से यहाँ पर एक बेहद खास गीत इसी श्रृंखला में लता जी के गीतों को जोड़ते हुए
पर जोरदार तालियां हो जाए इंडस्ट्री के कमाल के म्यूजिशियंस जिनको आप बहुत सारे रियलिटी शोज में सुनते हैं देखते हैं और ऐसी तालियां की सीधे इनके दिल तक पहुंचे। अब हो जाए जम के तालियां। सीता
सृष्टि गोस्वामी के लिए आप बजाइए जम के तालियां। मैंने आपसे कहा था कि ये अनोखा शो है। कैसे? गाने तो हमने शायद ये सुने होंगे, लेकिन इन गानों के पीछे छिपे हुए कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो बीच बीच में आकर मैं आपको बताते रहने वाला हूं। अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हमें याद दिलाने वाले हैं उस हरफन मौला कलाकार की जिसे हम किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। किशोर कुमार के चाहने वाले कितने हैं ऑडिटोरियम में? आए हाय किशोरदा, इन्हें हरफन मौला कलाकार कहते हैं। स्क्रीन पे एक्टिंग करवा लीजिए, गाना गवा दीजिए, डायरेक्शन करवा लीजिए, कॉमेडी करवा लीजिए, और कभी कभी तो ये रुला भी देते थे। किशोरदा को क्या पसंद था खाने में कोई बता सकता है? दूध और जलेबी। वो अक्सर कहा करते थे, खंडवा जाऊंगा, लेटूंगा, सारी दुनियादारी छोड़ के दूध और जलेबी खाऊंगा। ऐसे हरफन मौला कलाकार किशोरदा को याद करते हुए हमारे बीच आ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने किशोरदा को अपना गुरु माना है, आत्मसाद कर लिया है। इनका नाम है रविंद्र शिंदे। कई कमाल के शोज में ये वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर चुके हैं। नेशनल मेगा फाइनल ऑफ स्टार प्लस शो, उसमें भी ये अपियर कर चुके हैं। मेरी आवाज सुनो, स्वयं दीदी के हाथों से इनको पुरस्कार प्रदान किया था। दीदी से मुझे याद आया, मां सरस्वती का स्वरूप जिन्हें हम कहते हैं स्वर्गीय लता दीदी, से जुड़ी हुई एक ऐसी बात, एक ऐसी खासियत जिसको सुने बिना आप यहां से जाइएगा नहीं, क्योंकि शो के अंत अंत में वो खास सौगात भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, हमारे बीच वीर मंगल प्रभात लोढ़ा जी भी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका सहर्ष सहर्ष स्वागत। एक बार हो जाए जोरदार तालियां। और अगला जो गाना है रविंद्र शिंदे साहब जो पेश करने वाले हैं वो फिल्म वॉरेंट से है। मैंने आपसे कहा था कि गाने तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन गाने के पीछे छिपी हुई कहानी शायद नहीं सुनी होगी। ये जो कहानी है इस गाने की, ये ऋषि कपूर साहब पर पिक्चराइज होने वाला था। पंचमदा इस गाने को आखिरी टच दे रहे थे अपने स्टूडियो में, तभी अचानक देवानंद साहब वहां पर आ गए। उन्होंने कहा ये गाना तो मैं अपनी फिल्म में बजाऊंगा, और लिटरली पंचमदा से छीन कर वो गाना ले गए। और उसके बाद आपको पता ही है गाना कितना सुपर डुपर हिट हुआ, फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती को थैंक यू बोलने के लिए देवानंद साहब 20 माले ऊपर चढ़ गए, क्योंकि एलिवेटर बंद था, और जाकर उनको थैंक यू कहा कि भाई देखो तुमने डायरेक्ट की हुई फिल्म हिट हो गई और ये गाना भी हिट हो गया। तो लीजिए जोरदार तालियों से, आप सभी के बीच बुला रहा हूं रविंद्र शिंदे जी को। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महावीर इंटरनेशनल मुंबई के इस सेलिब्रेशन में आप सबको बधाई हो और आज के शुभ दिन मैं आपके सामने किशोरदा के चंद नगमे गाऊंगा, लेकिन शर्त यह है आप सबको मेरे साथ गाना पड़ेगा। गाएंगे आप लोग? पक्का? वेरी गुड, स्केल देना। शो 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 यस यस शो। चेक चेक चेक। श्रीमान वीर मंगल प्रभात लोढ़ा जी, कैबिनेट मिनिस्टर सर हमारे बीच उपस्थित हैं और हम इस बहुत ही सुरीली मेडली को भी सुनने वाले हैं, लेकिन मैं नवरतन जी से निवेदन करूंगा कि आगे का। दोस्तों आवाज करना भाई, हमारे बीच वो शख्सियत मौजूद है और दो पधारे हैं जिनके कारण ही हम ये महावीर इंटरनेशनल मुंबई का फॉर्मेशन कर पाए। शुरू से लेके अभी तक जब भी महावीर इंटरनेशनल को आपके किसी काम की आवश्यकता हुई, ही इज ऑलवेज रेडी। बस वो कहते हैं मेरे नाम से जहां कहीं भी जो काम करना हो कर लो। ये अपने आप में बाप भी बेटे को नहीं बोलता है। जोरदार तालियों से हम हमारे ऐसे नेतृत्व करने वाले वीर का अभिनंदन करते हैं। मंगल प्रभात जी लोढ़ा, आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पर पधारें। वीर पारस जी गोलेचा, शांतिलाल जी एवं विजय सिंह जी, पुरुषोत्तम जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों बाद का काम तो हर व्यक्ति कर लेता है। जो अपने हम व्यापारी हैं, जिस ने व्यापार की स्थापना की होती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाप की गद्दी पर बैठ करके तो बेटा हमेशा काम को आगे बढ़ाते आया है, तो जिस गद्दी का निर्माण स्थापना आपने की, मंगल प्रभात जी आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम लोग बहुत जल्दी आपके एवं चंदनमल जी साहब के और हमारे दूसरे अन्य साथियों के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्टल का निर्माण करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। अब मंगल प्रभात जी लोढ़ा का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं हमारे मंच पर मौजूद सभी वीर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी लाइए। आप मुंबई से पहले इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हुए, जोरदार तालियों से हम आपकी उस नेतृत्वशाली प्रतिभा का अभिनंदन करते हैं। और इन्होंने ऐसा रास्ता खोला कि इनके बाद चार इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हो गए, तीन महासचिव हो गए। ये अपने आप में इन्होंने एक रास्ता खोल दिया मुंबई। महावीर इंटरनेशनल एपेक्स की ओर से वीर मंगल प्रभात जी लोढ़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑल इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। आपके नेतृत्व में हमारे एपेक्स में जब आप प्रेसिडेंट थे उस समय पारस जी गोलेचा महासचिव थे, और पारस जी गोलेचा को मालूम है कि आप किस तरह से अपने अंतर्गत काम करने वालों को बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि डू योर बिजनेस एज पर योर लाइकिंग। देखिए जोरदार तालियों से आपका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप मंगल प्रभात जी लोढ़ा जो हमारे लाडले हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं। चार चार प्रोग्राम करके अटेंड करके आप यहां पधारे हैं, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। महावीर इंटरनेशनल के इस शानदार गीतों भरे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जस्टिस तातेड़ साहब, हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष सारे मौजूद हैं, बम्बई के अध्यक्ष पारस जी, मेरे पुराने मित्र, जब मैं उस समय अध्यक्ष बना था 27-28 साल पहले की बात है, तब शायद आप उस समय जनरल सेक्रेटरी बने थे, नवरत्न जी जनरल सेक्रेटरी बने थे, आप भी थे। समय की मर्यादा है और भाषण से ज़्यादा किशोर कुमार के गानों में सबको इंटरेस्ट है, इसलिए पर मैं इतना ज़रूर
आज के समय माननीय शांति प्रसाद जी जैन को याद करना चाहूंगा। वीर बापना साहब जिन्होंने उस समय आपके बड़े भाई उन्होंने आकर यहाँ पर हम सबको आपके घर में ही पहली बार इकट्ठे हुए थे और तब इसकी स्थापना हुई थी। शांति प्रसाद जी ने बहुत बड़े मन से सब लोगों को साथ में लेके, उनके परिवार का कोई आया हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जो लोग उनके साथ वाले उनको मालूम है। आज अभी आने के बाद पता पड़ा कि एक हॉस्टल की कल्पना है और उसमें चंदनमल जी के परिवार की तरफ से बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी संस्कारों की बात कर रहे हैं, अपन अच्छे काम करने जा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि मुझे आज इस मंच पर आकर उन सारे लोगों को धन्यवाद देना है। जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तब मुझे कोई जानता नहीं था और उस समय ये लोग जो स्टेज पर खड़े हैं और कई लोग सामने भी बैठे हुए हैं, माणक जी हैं, कानून गो जी हैं, अशोक जी यहाँ पर हैं, ये लोगों ने मेरे लिए मलबार हिल के अंदर बहुत मदद की थी और उसके कारण ही जो उस समय इनिंग शुरू हुई 27-28 साल 6 टर्न पूरे हो गए और इस बार पहली बार आप सबके सहयोग से आप सबके आशीर्वाद से महाराष्ट्र के अंदर एक जैन को मंत्री बनने का मौका मिला, महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों को मंत्री बनने का मौका मिला। मैं आप सबका मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो आप ये सेवा भाव से लगे हुए हैं, स्वयं के लिए तो बहुत कुछ करता है पर समाज के लिए वही कर सकता है जिसके मन में संस्कार हो और संस्कार कोई स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते हैं, वो माँ के पेट से गर्भ से हम अपने संस्कारों से हम जो अपने जिस धर्म का हम पालन करते हैं उसके कारण हम ये संस्कार सीख कर आते हैं। महावीर इंटरनेशनल आगे बढ़े, बहुत बड़ा बने और आप सब लोगों को इसके अंदर आनंद आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप हमारे इस मंच पर पधारे, आज हमारी जो हौसला अफजाई की है, महावीर इंटरनेशनल मुंबई परिवार यहाँ उपस्थित सभी सज्जन आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके इस शॉर्ट बीच में आपका समय लेने के लिए क्षमा। जो चीजें आवश्यक होती है उसके लिए तो समय निकालना ही चाहिए और ये चीज बहुत आवश्यक है। अब मैं फिर एक बार मंच पर आप सभी की तालियों के साथ रविंद्र शिंदे जी को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। बस मेरी दरखास्त इतनी है कि जो जो गाने किशोर दा के यहाँ पर रविंद्र जी आपके लिए पेश करेंगे अगर आप भी साथ निभाए, है ना रविंद्र भैया? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो आप भी अपनी जगह से इनका साथ निभाइएगा क्योंकि ये वो गाने हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि किशोर दा हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और दोस्तों जैसा किसी ने कहा है, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए। नमस्कार। तो दोस्तों याद करते हैं किशोर दा को और मैं गाऊंगा, मेरे साथ आओ गाना। अरे वाह,
किशोर दा प्यार दीवाना होता है मस्ता तालियां बजती रहनी चाहिए रविंद्र शिंदे जी के लिए। कलाकार जब तक मंच से अंदर की तरफ न चला जाए तब तक तालियां बजती रहे और आपकी तालियों से ही हौसला अफजाई होगी। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे दिलीप और ये गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक बिल्कुल यूनिक शो आप देख रहे हैं जहां पर देश की बहुत ही कमाल की आवाजों को एक मंच पर हम लेकर आए हैं और गानों के साथ जुड़े हुए किस्से आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज बागरेचा टैलेंट मैनेजमेंट ये शो लेकर आया है जिसका पहला शो यहां पर हो रहा है और अब एक ऐसे कलाकार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो अब हमारे बीच आ रहे हैं। राहुल भट्ट इनका नाम है, ये इंडी बॉलीवुड सिंगर हैं और आपने इनको कई गानों में सुना होगा, कई रियलिटी शोज के साथ ये जुड़े हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और जो गाना ये सबसे पहला पेश करने वाले हैं वो है फिल्म कर्ज का। ये गाना मेरे ख्याल से हम सब ने सुना है लेकिन इसके पीछे छिपी हुई एक कहानी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। रफी साहब के कई गाने हैं लेकिन उन गानों में सबसे ज्यादा पॉपुलर ये गाना जो राहुल आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस गाने की कोरियोग्राफी के वक्त कोरियोग्राफर पहुंच नहीं पाए तो सुभाष घई साहब ने खुद कोरियोग्राफी कर डाली और ये जलवा उन्होंने फिर एक बार रामलखन फिल्म में भी दिखाया था। जब कोरियोग्राफर नहीं पहुंचे तो खुद ही गाने की कोरियोग्राफी कर डाली। मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। अब इस गाने को इंजॉय कीजिएगा और भी कई गाने लेकर आपके बीच आ रहे हैं राहुल भट्ट। कर दे दिल
कर दे जिगर, दिल में जगाया सभी को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इतने लेजेंडरी म्यूजिशियंस के लिए, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, हमारे महावीर इंटरनेशनल के 25 साल के इस सिल्वर जुबली समारोह के उपलक्ष में प्रसिद्ध सर्जन हमारे खुद के सदस्य वी डॉक्टर मानमल बेगानी ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो 25 सर्जरी निशुल्क करेंगे। किसी को भी आवश्यकता हो, किसी व्यक्ति को भेजना हो, आप मोस्ट वेलकम हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दिल खोल के हो जाए
पंकज बागरजा टैलेंट मैनेजमेंट के लिए जोरदार तालियां, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे सुनहरे गाने लेके आए हैं। और आइए चलते हैं सुरों की उस महफिल में। हाँ देखिए दादा,
अभी ऐसे और कलाकारों से आपको मिलाना है कि उनके लिए भी वंस मोर आपको कहना पड़ेगा। सर ये पहला शो है जो खास आपके लिए हम लेकर आए हैं, पंकज बाग रिचा टैलेंट मैनेजमेंट और मैं आरजे दिलीप, हमारी पूरी टीम की तरफ से हमने महावीर इंटरनेशनल के लिए ये सबसे पहला शो यहां पर ऑर्गेनाइज किया है। आगे और भी ये शोज होने वाले हैं और अब एक ऐसी आवाज को मैं बुलाने वाला हूं जिनको सुने बिना आप यहां से बिल्कुल मत जाइएगा। 22 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स इनके नाम पर हैं। इन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी 3 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी और अभी अभी इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर बेस्ट वर्सटाइल सिंगर मिला है 2018 में। जिस गाने से ये शुरुआत करने वाली हैं वो एक कमाल की फिल्म का गाना है। ये फिल्म है शान। ऑब्वियसली शोले के बाद शान आई थी और शान में हमें विलन जो मिले थे, क्या नाम है उनका पता है ना आपको? शाकाल। और शोले में गब्बर सिंह, रमेश सिप्पी साहब की यही खासियत कि इन दोनों कमाल की फिल्मों में दोनों कमाल के विलन हमें दिए। लेकिन अब शान फिल्म का कमाल का गाना और बेहतरीन गाने लेकर आपके सामने आ रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रानी हजारिका। हेलो हेलो, तालियां बनते हैं इस गाने में सब लोग एक साथ। यस, थैंक यू वेरी मच।
होना चाहिए. यस, थैंक यू वेरी मच. अभी जो गाना गाऊंगी मैं, दो तीन गाना साथ में गाने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोग साथ में हो. साथ में है कि नहीं? अभी थोड़ा डांस करने वाले हैं, सबको डांस भी करना है, मेरे साथ गाना भी है. ओके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो रेडी हो जाइए साथ में गाने के लिए. पीछे तो बहुत, थैंक यू वेरी मच, सबको थैंक यू. इधर भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ में गाने के बीच में सबको रहना है मेरे साथ.
बार मैं इनकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ. सबसे पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ, तभी पता चलेगा किस में कितना दम है. ओके, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप लोगों का, आप लोग इनको हेल्प मत कीजिए, मेरे लेफ्ट साइड वालों को आप लोग मत हेल्प कीजिए. पूरा रेडी, स्केल देना खाली. डैनी जिमी 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 जिमी, क्या बात है, हरा सकते हैं. श्योर, देखो हरा देके बोल रहे हैं, देखे जिमी 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 जिमी, हरा ही नहीं लेकिन दम ज्यादा था. यस, सो हम अभी चाहते हैं पीछे जो बैठे हैं पीछे, उनको कोई सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि उनकी आवाज यहां तक आना चाहिए और आप लोग जोर से बोलोगे ना तभी आएगा. कोई हेल्प मत करना. रेडी, दम दिखा दो अपना. जिमी 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 जिमी, क्या बात है, पीछे से देखो कितनी आवाज आ रही है. लेकिन मुझे लगता है मम्मा पापा कोई बैठे हैं यहाँ पे उनके, जो हेल्प कर रहे थे बीच में, आजा बोल के डेफिनेटली कर रहे हैं. चलो अभी हम अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कितना मजा आएगा, कितना साउंड आएगा, है कि नहीं. हम एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय तो करेंगे ना. खाली स्केल एक बार सब लोग एक साथ. जिमी 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 जिमी, ऐसे ही गाने के बीच में. ओके, वन टू थ्री गो. जिमी 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 जिमी, हजारे मेरे साथ जागी जागी ना काले ना दे वही दुखा. जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा आजा. इस गाने के साथ आजा आजा बोल रहे हो तो हाथ भी उठा, मुझे पता चलेगा कौन कौन है. ऐसा लग रहा है कि चुपके से बोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा. जब मैं बोलूंगी तो हाथ भी चाहिए मुझे साथ. बाद में के लिए भी बचा के रखे क्या? शो बाद में गाऊं क्या? और नहीं नहीं और भी गाने हैं, सब मैं ही गा जाऊंगी तो कैसे होगा. वो कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, फिर से आऊंगी मैं. थैंक यू. रानी हजारिका जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. थैंक यू वेरी मच. रॉकिंग परफॉर्मेंस, यू रियली सेट द स्टेज ऑन फायर. मजा आ गया रानी जी. और डेफिनेटली रानी भी लौट कर आने वाली है. लेकिन अब मैं जिनको बुलाने वाला हूं वो बिल्कुल लाजवाब आवाज लेकर आपके बीच आ रहे हैं. एक ऐसा नाम जो हम सबके दिलों में बसता है, कुमार सानू के सुपुत्र
जान कुमार सानू, इनको सबसे पहले आपने सुना था तारे जमी पे इसी फिल्म में, जहां पर शान के साथ उन्होंने गाया था बम बम बोले, वो गाना याद है ना। उसके बाद कई जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया, जैसे शंकर एहसान लॉय, शांतनु मोहित्रा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। साथ ही सबसे छोटी उम्र में अपना नाम दर्ज करवाया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, क्योंकि सबसे छोटी उम्र में इन्होंने बंगाली एल्बम रिलीज किया था। और इनका डेब्यू हुआ बॉलीवुड में फीचरिंग मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल एंड मिस अंकिता शोरी विद द रिक्रिएशन ऑफ हिज दैट सॉन्ग दिल मेरा चुराया क्यों, जो 6 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा क्रॉस कर गया। बहुत सारे कमाल के गाने, आपने इनको बिग बॉस 14 में भी देखा है, जहां पर टॉप 10 तक ये पहुंचे थे। मीका सिंह के साथ इन्होंने साइन किया है, इज अ साइंड आर्टिस्ट विद मीका सिंह, और अभी एक गाना इनका सुट्टा बहुत ही वायरल हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जान कुमार सानू। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। हो जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूं मैं आप सबका दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ ये गाने को गाएं। यस, एक बार मैं, एक बार आप। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। आप लोगों को पिक्चर का नाम याद है? कितने लोगों ने आशिकी फिल्म पे आशिकी की है? आप लोगों ने की होगी ना। 90s में तो रोमांस का एरा था, मेरे डैड ने बहुत, ये अंकल दोनों बहुत खुश लग रहे हैं मुझे, इनकी लव स्टोरी लगता है आशिकी से स्टार्ट हुई थी। चलिए आप लोग मेरे साथ गाएंगे अभी। जब से तुझे जाने जाना, तुमसे भी तुमको है बताना। धीरे धीरे से जिंदगी में आना।
कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना। गुड इवनिंग, एनर्जी तो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, और रानी मेरे से पहले आके उन्होंने बंटवारा भी कर दिया लेफ्ट साइड राइट साइड, तो अभी मैं आप सबको जोड़ने आया हूँ एक साथ। तो अभी मैं कुछ गाने गाऊंगा, मेरे पापा के गाने जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड जब मन करे आप लोग मुझे ज्वाइन करिएगा और ज़ोर से ज्वाइन करिएगा। आप लोग ने डिनर कर लिया है ना, तो एनर्जी कहाँ है फिर, थोड़ा ज़ोर से ज़्यादा खा लिया क्या, पचा लो फिर। ओके, द नेक्स्ट सॉन्ग्स दैट आई एम गोना सिंग आर वेरी वेरी फेमस सॉन्ग्स मेरे पापा के सारे, और ये एक मैशअप जैसा मैं करने वाला हूँ, भूल चूक माफ। एंड दादा आप लोग सभी थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद मी, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द म्यूजिशियंस गाइस, इनके वजह से ही हम हैं, ये हमें संभाल रहे हैं। सो एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल आर ब्यूटिफुल म्यूजिशियंस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऑल, आप लोग मेरे साथ बजा रहे हैं। यस, एंड पंकज भैया के लिए मैं, उनके लिए मैंने एक अलग एक्ट प्रिपेयर करके रखा है जिसमें उनकी बहुत आज यू नो मतलब ये होने वाली है, तारीफ होने वाली है। तो ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट, एंड यू गाइज हैव टू जॉइन मी फॉर दिस नेक्स्ट सेगमेंट। या छोड़ जाऊंगा।
जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। क्या बात, इसलिए मैंने इनको रोका, अब खाना पच गया। एक और बार। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वो ही बात हो गई। क्या बात है, सुरीले, सब सुरीले। Yes, अच्छा एक सेकेंड, आपको कुछ बोलना है? एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगी फिर। अरे साहब, आपकी आवाज और आपके गाने सुन करके हमारे वीर ललित जी डांगी ने 50,000 रुपया में एक प्रोजेक्ट करने का स्पॉन्सर दिया है। जोरदार तालियों से हम ललित जी डांगी का अभिनंदन करते हैं। देखिए, आपके गाने गाने से हमें 50,000 रुपये की आवक हो गई और वो 50,000 में से 70% मेरा है ना।
अच्छा मैं ना थोड़ा नर्वस आ गया था पहले क्योंकि मुझे लग रहा था कि यू नो आज मैं एक्चुअली कल दिल्ली में था, मेरा एक कॉन्सर्ट था, फिर वहाँ से सीधा यहाँ पे आया हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं थी. बट आप लोगों के साथ एनर्जी इतना अच्छा मैच कर गया अभी कि एक गाना जो मैं गाने वाला हूँ अभी, वो गाना अगर मैं नहीं गाऊँगा ना तो आप लोग का खाना पूरी पूरी तरह से हजम ही नहीं होगा. और वो गाना आई थिंक मेरे डैड के करियर का सबसे बड़ा गाना है. सही बोल रहा ना दादा? आई थिंक इट्स द बिगेस्ट सॉन्ग. तो यहाँ पर DDLJ फिल्म कितने लोगों ने देखी है? सबने देखी है ना? तो आप लोगों को पता है मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ, कौन से गाने की बात कर रहा हूँ मैं? सबको पता है लेकिन कोई नहीं बोलना चाह रहा. ठीक है मैं ही बोल देता हूँ. आई लाइक टू कॉल सृष्टि इफ यू कैन जॉइन मी फॉर दिस नेक्स्ट सॉन्ग बिकॉज दिस सॉन्ग इज अ ड्यूएट सॉन्ग एंड इट्स वन ऑफ द इट्स कॉल्ड द लव एंथम ऑफ द मिलेनियम. और ये गाने में मैं म्यूजिशियन दादा से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग है ना जब ऑडियंस के साथ मैं गा रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना बिकॉज ये गाना मुझे आप लोगों से सुनना है. मैं तो गा के थक गया हूँ इस गाने को, आज मुझे आप लोगों से सुनना है. तो आप लोग रेडी हो? यस दादा आप है ना बोल रहे हो कि आप रेडी हो लेकिन आप गा रहे ही नहीं हो, ये चीटिंग है. सो आई विल वॉन्ट यू गाइज टू सिंग विथ मी फॉर दिस नेक्स्ट सॉन्ग. सृष्टि थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी सो मच. थैंक यू सो मच. And I'm just going to take a quick sip of water and then we are going to have a lot of fun, okay? Are you guys ready? Yes? Okay, good. Tujhe dekha to ye jaana
अब यहाँ से तेरी बाहों में क्या बात है तुझे देखा तो ये जाना सनम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सृष्टि थैंक यू सो मच अगला गाना थोड़ा डांसी नंबर है मैं आप लोगों को डांस तो करने बोलूंगा नहीं बट आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों को इच्छा है तो आप लोग कर सकते हो आप लोगों को डांस करने का मन है यस ये तो सबसे पहले यस बोल रहे क्या बात है आप तो इधर ही सेंटर स्टेज ही ले लो आप ओके गाइज द नेक्स्ट सॉन्ग इज अगेन अ वेरी वेरी फेमस सॉन्ग इट वॉज माई डैड्स आई थिंक इट वॉज हिज फिफ्थ फिल्म फेयर अवार्ड यस एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू जॉइन मी फॉर दिस इज वेल So थैंक यू सो मच दादा आए लेकिन उन्होंने गाया नहीं इसका हिसाब आपका ऑडियंस करेगी मैं नहीं करूंगा लेकिन ऑडियंस करेगी फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग आई एम गोइंग टू आइए आइए दादा आइए हेलो हेलो आप अगर सुनना चाहते हैं तो वैसे तो हमारे पास और दो घंटे का शो है लेकिन हम चूंकि शॉर्ट कर रहे हैं इसे तो जान का आज की रात होगा उसके बाद परदेसी और उसके बाद हमने एक बहुत खूबसूरत सा
लता मंगेशकर जो हमारी देश की पूरी दुनिया की रहा उसके लिए एक ट्रिब्यूट दिया है, बहुत ही सुंदर सा 6-7 गानों का, सारे सिंगर आके गाएंगे, वो करना चाहेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो तीन गाने करीब करीब 20-25 मिनट का, लेकिन बहुत शानदार आपको मिलेगा। थैंक यू। आई लाइक टू कॉल सृष्टि एंड रानी, प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज फॉर दिस नेक्स्ट सॉन्ग। अभी फुल अलग ही एक जोन में जा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डांस हो थोड़ी देर के लिए तो वो भी होगा। हेलो हेलो, तो वो हम लता जी के ट्रिब्यूट से पहले डांस करेंगे, फिर लता जी के ट्रिब्यूट के साथ उस शो की समाप्ति करेंगे, ठीक है?
भाई संस्था का काम है, बजट तो बोले कोई नहीं, बजट साइड में रखो, अपने को करना है। तो थैंक यू सारे आर्टिस्ट जिन्होंने, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे कहने पे जो आप इनके लाखों रुपए इनके शो के आप करेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं ये संस्था का काम है, बोला पंकज भाई एनी टाइम। तो थैंक यू सभी आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस मेरे सब दिल के अजीज, हम लोगों ने कई 20 सालों से हम पूरे वर्ल्ड घूमते हैं इनके साथ, तो जितने शानदार म्यूजिशियन है सब मेरे दिल के अजीज है, मेरे भाई हैं। थैंक यू भाई सुनील भाई, वहां कल थे हम, स्पेशली आज शो छोड़ के वो अबू धाबी से आए हैं, लाइट वाले मुन्ना भाई, फ्यूजन टीम, हमारा आलोक जी आए नहीं है, सभी को थैंक यू सो मच। मेरे सारे जो लोग यहाँ पे हैं उनको, तनय का है, तरुण, जीतू, सभी को, मनोज, सभी को थैंक यू देशना। तो अब जहाँ दिल से दिल का रिश्ता होता है वहां सॉरी और थैंक यू की कोई गुंजाइश नहीं, और पंकज भाई से दिल का रिश्ता है। देखिए दीदी को ट्रिब्यूट देने के लिए सारे कलाकार यहाँ मंच पर आए हुए हैं, दीदी की कही हुई एक एक बात, एक एक गाना हमारे लिए धरोहर की तरह है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे रेडियो शो में, चलते शो में, मैंने फोन लगाया था दीदी को लैंडलाइन पर, दूसरी तरफ लता दीदी ने स्वयं फोन उठाया। कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज, डू वी हैव द ऑडियो क्लिप, कैन यू प्ले इट, इफ यू हैव द ऑडियो क्लिप। चलिए नो प्रॉब्लम, पहले हमारे सिंगर्स ट्रिब्यूट देंगे। दीदी ने जो बात उस ऑडियो क्लिप में कही थी मुझे आज इस शो में याद आ रही है, लेकिन बिल्कुल सुनना है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सुनेंगे हम, वहां ऑडियो क्लिप रेडी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि दीदी ने वहां से भी इस शो के लिए आशीर्वाद दे दिया था, आपको भी वही लगेगा जब आप सुनेंगे। ओवर टू यू हमारे कमाल के सिंगर्स जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं वन एंड ओनली दीदी को।
जलता नहीं हम क्या करें तुम्हें कह दो अब जाने अदा हम क्या करें डांस बाकी है दर्शक दीर्घा में जान की मम्मी भी खड़ी है थैंक यू इतने संघर्षों के बाद आपने एक हीरा दिया है इस देश को जो आगे जाके बहुत बड़ा सितारा बनेगा थैंक यू सो मच आंटी और अब धमाल होगी जिन्हें भी डांस करना है लेकिन लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से वो ऑडियो रेडी है ना यस 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 अब सुनिएगा इस प्रोग्राम के लिए शायद लता जी को पहले से पता था ऐसा लगता है ये ऑडियो जो है लता जी का दीदी का आज सुनिए 30 सेकंड का ये ऑडियो प्ले प्लीज मेरी शुभकामनाएं हैं और आप जो आज शो कर रहे हैं उसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं क्योंकि आपने काफी एक नए तरीके से ये आज का ये प्रोग्राम किया है क्योंकि रचना को भी बुलाया है और मीना को भी बुलाया है और मुझसे भी आप बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझसे बात की और मुझसे थोड़ी थोड़ी बात मतलब हो सकता है मैंने कुछ मेरी शुभकामना तो ये वाकई में स्टूडियो से फोन लगाया और दीदी मुझसे बात कर रही थी मीना ताई मंगेशकर और रचना जी मेरे साथ उनकी नीज बैठी हुई थी यही वो लम्हा और अब झूमने के लिए हो जाइए तैयार हमारे रॉक स्टार्स भी है तैयार आप लोग है तैयार जरा जोश बताइए तैयार है ना ओके चलिए तो जितना आपने एंजॉय किया है आज के इस शो को
वो एनर्जी बरकरार रखिए, बची कुछ एनर्जी घर ले जाने की जरूरत नहीं है, यही खर्च करनी है अभी डांस में. ऑलराइट, ओवर टू यू. आर यू रेडी गाइस? हियर यू गो. जो भी डांस करना चाहेंगे एक बार आगे आ जाइए. मोहन उसे दिखा
सभी का आपके जोश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्रवाई यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और फिर किसी मंजिल पे हमारी मुलाकात जरूर होगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू। सुंदर बोथरा जी को मैं धन्यवाद देने के लिए बुला रहा हूं। सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद और संचालन करने की। हेलो, आज का जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, आप सभी कलाकारों को महावीर इंटरनेशनल मुंबई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छी आवाज, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे खुद के भाई पंकज बागरेचा को, who has arranged everything very nicely, very perfectly. Hats off to him. Pankaj, आपने एक से एक अच्छे अदाकार आर्टिस्ट लाए और जो मनोरंजन किया है, महावीर इंटरनेशनल परिवार तुम्हारा हमेशा हमेशा आभारी रहेगा। हमारे जो स्पॉन्सर हैं जुपिटर डायाकैम के, हमारे एमटीसी ग्रुप के, पूनम डेवलपर्स, जियो चेयरमैन, हम सबका, मानक जी, सबका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोग जो यहाँ पधारे। मैं महावीर इंटरनेशनल के सभी पूरे परिवार की ओर से आदरणीय नवरत्न जी साहब पारक का, राजेंद्र जी का, बोथराज जी का, दोनों बोथराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई वीराओं ने और वीराओं ने जो सहयोग दिया, उसके लिए महावीर इंटरनेशनल की ओर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आदर। जोरदार से एक बार आप सब, पारस जी के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है, जोरदार तालियों से हम इस वीर का अभिनंदन करते हैं। हेलो, आप सबसे मेरा निवेदन है कि मध्यांतर हॉल में खाने की व्यवस्था है, आप लोग सब खाना लेकर के वहां पधारें। सभी आर्टिस्ट